शुक्रवार को आयुक्त सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जनपद में सिटी बस चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का परमिट समाप्त हो गया है वह किसी हालत में संचालित ना हो। परिवहन विभाग 10 दिनों के अंदर एजेंसी वार रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि कितनी गाड़ियां बिक्री हुई हैं और कितने का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में जो भी ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उनके अलावा अन्य ऑटो के परमिट ना जारी किए जाएं। जो भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हम लोग बाइक का परेशान ठीक है।
लोगों को दे दिया गया शासन का आदेश था। इस एक मार्ग पे जो प्राइवेट मार्ग है, इस उन्होंने अप्लाई कर दिया था दो लोगों को, एक राजेश यादव जी निजवन और एक रोडवेज, उसको आपने रोक दिया था। आप रोडवेज वालों का परमिट सेंक्शन करने का अगर आपकी अनुमति हो तो जारी कर दिया कर दिया जाए जी, और किसी को नहीं जारी करना और किसी को। तो ये दुर्गावती राजेश यादव नहीं, इन्होंने पिछली बार एप्लीकेशन दिया था लेकिन इन्होंने गाड़ी अपनी से लाउट कर दी।